23 दिसंबर की रात मोहन अपनी पत्नी सुधा संग एक दोस्त के यहां हुए नए साल की पार्टी से लौट रहा था। बाहर बड़ी ठंड थी। दोनों पति पत्नी कार से वापसी घर की ओर जा रहे थे, तभी सड़क किनारे पेड़ के नीचे पतली पुरानी फटी चिथड़ी चादर में लिपटे एक बूढ़े भिखारी को देख मोहन का दिल द्रवित हो गया। उसने गाड़ी रोकी। पत्नी सुधा ने मोहन को हैरानी से देखते हुए कहा, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी आपने? वह बूढ़ा ठंड से कांप रहा है सुधा, इसलिए गाड़ी रोकी। तो अरे यार, गाड़ी में जो कंबल पड़ा है ना, उसे दे देते हैं, मोहन बोला। क्या वो कंबल? मोहन जी, इतना महंगा कंबल आप इसको देंगे? वह उसे ओढ़ेगा नहीं, बल्कि उसे बेच देगा और नशे के सामान खरीद लेगा। ये लोग ऐसे ही होते हैं। मोहन मुस्कुरा कर गाड़ी से उतरा और कंबल डिक्की से निकाल कर उस बुजुर्ग को दे दिया। सुधा ने गुस्से में मुंह बना लिया। अगले दिन नव वर्ष के पहले दिन यानी 31 दिसंबर की रात में भी बड़े गजब की ठंड थी। आज भी मोहन और सुधा एक फंक्शन से लौट रहे थे, तो सुधा ने कहा, चलिए मोहन जी, एक बार देखे उस रात वाले बूढ़े का क्या हाल है। मोहन ने वही गाड़ी रोकी तो देखा तो बूढ़ा भिखारी वही था, मगर उसके पास वह कंबल नहीं था, अपनी वही पुरानी चादर ओढ़े लेटा था। सुधा ने आंखें बड़े करते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था कि वो कंबल उसे मत दो, बेच दिया होगा जरूर। दोनों कार से उतरकर उस बूढ़े के पास गए। सुधा ने व्यंग करते हुए पूछा, क्यों बाबा, रात वाला कंबल कहां है? बेच कर नशे का सामान ले आए क्या? बूढ़े ने हाथ से इशारा किया। थोड़ी दूर पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी जिसने वही कंबल ओढ़ा हुआ था। बूढ़ा बोला, बेटा, वह औरत पैरों से विकलांग है और उसके कपड़े भी कहीं कहीं से फटे हुए हैं। लोग भीख देते वक्त भी गंदी नजरों से देखते हैं, ऊपर से ये ठंड। मेरे पास तो कम से कम ये पुरानी चादर तो है। उसके पास कुछ नहीं था तो मैंने कंबल उसे दे दिया। सुधा हतप्रभ सी रह गई। अब उसकी आंखों में भी आंसू थे। वो धीरे से मोहन से बोली, चलिए घर से एक कंबल लाकर बाबाजी को दे देते हैं। ईश्वर ने आपको देने वालों की श्रेणी में रखा है, कृपया जरूरतमंदों की मदद जरूर कीजिए, क्योंकि सभी के लिए एक ही सोच जरूरी नहीं। जरूरी नहीं कि सब ऐसे ही होंगे, क्या पता किसी का दिल सच में बड़ा हो। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।